नमस्कार दोस्तों, एनएस इलेक्ट्रिक के एक नए वीडियो में आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज हम एक डबल डोर फ्री रेफ्रिजरेटर में गैस चार्ज करने वाले हैं, तो इसको हमने अभी चला के देख लिया है। तो ये इसका कंप्रेसर रनिंग है, देख सकते हैं, और ये इसका जो डिस्चार्ज पाइप है बिल्कुल गर्म नहीं हो रहा है, तो यानी इसके अंदर गैस नहीं है। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक डबल डोर रेफ्रिजरेटर है जो कि है 207 लीटर ग्रॉस वॉल्यूम है, तो यहाँ पर देख सकते हैं। तो आज इसका हम करने वाले हैं गैस चार्ज। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसके अंदर फैन वगैरह सब कुछ चल रहा है, आवाज़ें आ रही है, लेकिन कूलिंग नहीं हो रहा है। और ऐसे ही इलेक्ट्रिक रिपेयर वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप है, तो इसका जो मेन सक्शन लाइन है वापस घूम के जो कंप्रेसर के अंदर आया है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो हम सबसे पहले इसको काटेंगे और इसको पहले हम फ्लश करेंगे ताकि इसके अंदर जो ऑयल वगैरह कंप्रेसर के गैस के साथ आगे गया है उसको हम निकाल लेंगे। ये डिस्चार्ज सक्शन लाइन जो है इसको काट के, उसके बाद जो हमारा स्टेप है होगा, ये हमारा देख सकते हो यहाँ पर एक फिल्टर लगा हुआ है, तो इस फिल्टर को हम चेंज करेंगे। तो अभी जब भी आप किसी भी रेफ्रिजरेटर में गैस चार्ज करेंगे तो इसका जो फिल्टर है इसको आपको चेंज करना ही करना है, ये कंपलसरी है, और उसके बाद हम नया फिल्टर लगाएंगे। तो बने रहिए वीडियो में। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस सक्शन लाइन को हमने काट के निकाल लिया है, और अब हमें इसमें इसको फ्लश करना है। इसी तरह इसके मुंह में दबा के रखना है ताकि इसके अंदर जितना भी ऑयल ऊपर जा चुका है वो ऑयल बाहर आ जाए। देख सकते हैं हमारा कंप्रेसर भी चालू है, तो हम इस तरह से इसको फ्लश करेंगे। जब तक इसके अंदर से ऑयल आता रहेगा तब तक हम इसको फ्लश करेंगे। तो अब देख सकते हैं इसमें से कितना ऑयल निकल चुका है, तो अभी मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। और आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि इसके अंदर जब तक ऑयल निकले तब तक आपको इसी तरह फ्लश करना है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से इसमें ऑयल निकल रहा है, तो देख सकते हैं किस तरह से ऑयल धुएं के रूप में निकल रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी समय तक हमने इसको फ्लश किया है और इसमें से अभी भी ऑयल निकल रहा है, लेकिन पहले के मुकाबले काफ़ी ऑयल कम हो चुका है। लेकिन अभी हम और 5-10 मिनट तक इसको फ्लश करेंगे। तो आपको फ्लश करना ही करना है, जितना जब तक आपके लाइन में से ऑयल निकले तब तक आपको फ्लश करना ही करना है। इस तरह से आपको एक ट्यूब की मदद से पकड़ लेना है ताकि इसमें आपको ज़्यादा प्रेशर से आप पकड़ सको। तो देख सकते हैं हमने पकड़ के रखा हुआ है, तो हम छोड़ेंगे। तो देख सकते हैं अभी भी ऑयल निकल रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा फ्लश करना लगभग हो चुका है ख़त्म। तो यहाँ पर इसके इनसाइड में यानी इसकी बॉडी के अंदर इसका जो कंडेंसर है पाइप लगा हुआ है। तो क्या होता है कि जो फ्रिज पुराना होने के बाद 5-7 साल बाद पुराना होने के बाद इसकी जो अंदर का कंडेंसर कोयल है वो काम करना बंद कर देता है, जिसकी वजह से हमें फ्रिज में बार बार चोकिंग का प्रॉब्लम होता है। ऑलरेडी इस फ्रिज में एक साल पहले एक बार गैस भर चुका गया है, अभी इसका चोकिंग प्रॉब्लम फिर से आ गया है। इसकी वजह से हमने यहाँ पर देख सकते हैं 5 क्लेम लगाया है, इसमें कंडेंसर एक्स्ट्रा कंडेंसर कॉइल लगाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारे साथ सामने है एक्स्ट्रा कंडेंसर, तो इसको हम इसकी बॉडी में फिट करेंगे, उसके बाद ही हम गैस चार्जिंग की प्रक्रिया शुरू करेंगे। अभी हमने इसका कंडेंसर को फिट कर दिया है इसकी बॉडी में, बिल्कुल देख सकते हैं। और यहाँ इसकी जो सेक्शन लाइन है ये वाला देख सकते हैं, यहाँ पर घूम के यहाँ पर आया है, तो इस सेक्शन लाइन को यहाँ से हम जोड़ेंगे इसके साथ, और यहाँ से निकल के आएगी यहाँ पर हमारा ड्रायर जुड़ेगा, और इसके साथ हम ये कैपिलरी ट्यूब का कनेक्शन करेंगे। तो अभी हम यहाँ पर इसके साथ ये कनेक्शन कर देते हैं और इसमें इसके साथ कर देते हैं ड्रायर को फिट, और हमने यहाँ पर नया ड्रायर लगाएंगे, इसे पुराने वाला ड्रायर को यूज़ नहीं करेंगे। और आपको मैं बार बार बता देता हूँ ये चीज़, आपको जब भी गैस चार्ज करना हो या कुछ भी करना हो अगर आपको ये ड्रायर चेंज करना ही करना है, ये कंपलसरी है। तो यहाँ पर गाइस देख सकते हैं हमने पूरा फिल्टर को फिटिंग कर दिया है, और अभी इसका डिस्चार्ज लाइन के साथ इस फिल्टर को हम ज्वाइन करेंगे। Yeah.
तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने कंडीशनर से जो पाइप आया हुआ है यहाँ से यहाँ तक, तो इसके साथ हमने ये ज्वाइन कर दिया है। यहाँ पे हमारा जो मेन डिस्चार्ज लाइन है देख सकते हैं, और यहाँ से कंडेंसर से जो निकला है जो दूसरा मुंह, यहाँ पे हम इस ड्रायर को लगाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास नया ड्रायर है, यहाँ पर लगाएंगे इस तरह से, इसको बेंड करके घुमा कर इस तरह से लगाएंगे, और इसकी इस साइड में हम लगाएंगे ये जो कैपिलरी है, इस कैपिलरी का मुंह देख सकते हैं। और ये जो हमारा जो सेक्शन लाइन है देख सकते हैं, इसको हमने फ्लश किया है, तो इसको हमने यहाँ पर इसको हम ब्रेजिंग कर देंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने इस अवधि देखा, इस कंडेंसर के साथ यहाँ से यहाँ आके ड्रायर को हमने लगा दिया है, और ये अभी ड्रायर के साथ हम कैपिलरी को ज्वाइन करेंगे, और उसके बाद जो है हम इसको वैक्यूम करेंगे। वैक्यूम करने के बाद हमारा गैस फुकिया जो चालू रहेगा। तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक, ताकि आपको बेहतर से बेहतर जानकारी मिले। और आपको ब्रेजिंग करते हमेशा ध्यान रखना है, तो आपको ब्रेजिंग करते हमेशा ध्यान रखना है कि आपको अच्छी तरह से ब्रेजिंग करना है, इसमें कोई कंजूसी नहीं करना है, वरना आपका अगर छोटी सी छोटी मेजर लीक भी रह जाए तो पूरा जो गैस प्रक्रिया है आपका फिर से करना पड़ेगा। तो आपको हमेशा ब्रेजिंग करते समय कंजूसी नहीं करना है, अच्छी तरह से ब्रेजिंग करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने ब्रेजिंग ख़त्म कर दिया है, और देख सकते हैं यहाँ से जो फिल्टर आया हुआ है, हम भी आपको पहले से दिखा देता हूँ। ये हमारा डिस्चार्ज लाइन है, ये यहाँ से आते हुए डायरेक्ट यहाँ पर इस कंडेंसर के ऊपर की साइड से होते हुए निकल के आके बाहर आके ये इधर आपका फिल्टर लगा है, और फिल्टर से यह कैपिलरी जॉइंट होकर बाहर अंदर गया है, अंदर जो है वेपर से आके हमारा जो सेक्शन लाइन है यहाँ से जॉइंट हुआ है, इसको भी हमने जॉइंट कर दिया है। तो अब हमारा जो ब्रेजिंग और फ्लश करने का प्रक्रिया जो है वो ख़त्म हो चुका है, और तो अभी हम इसको करेंगे वैक्यूम, और उसके बाद ही गैस चार्ज करेंगे। अभी इसको वैक्यूम पर लगा दिया है वैक्यूम पंप के द्वारा। तो यहाँ पे आपको मैं और एक चीज़ बता देता हूँ, तो आपको हमेशा वैक्यूम पंप से ही करना है। अगर आपके पास वैक्यूम पंप नहीं है तो आप इस तरह से कंप्रेसर से वैक्यूम पंप बना सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं हमने चार्जिंग लाइन पर लगा दिया है एक पाइप, दूसरा सिरा यहाँ से जाके हमारा वैक्यूम पंप के सेक्शन लाइन पर लगा है, और अब इसको हम वैक्यूम करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं सुई धीरे धीरे माइनस ज़ीरो पर जा रहा है, जब तक ये माइनस ज़ीरो पर नहीं जाता तब तक हम इसे वैक्यूम करेंगे। कम से कम 15 से 20 मिनट तक आपको इसको इस तरह से वैक्यूम करना है, और कंप्रेसर को चला के रखना है। तो यहाँ पर अगर आपका सुई अगर माइनस 30 तक ना जाए तो आपको ये निश्चित रहना है कि आपकी जॉइंट में कहीं पर लीकेज है। अगर जॉइंट में लीकेज होगा तो आपका ये सुई कभी भी माइनस 30 तक नहीं जाएगा। अगर लीकेज नहीं है तो माइनस 30 तक आपका ये धीरे धीरे चला जाएगा 15-20 मिनट चलाने के बाद। तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं 15-20 मिनट तक, और उसके बाद ही हम गैस चार्ज करेंगे। ये लगभग हमारा कम से कम आधा घंटे तक हमने वैक्यूम किया है, तो मैं ज़्यादातर आधा घंटे तक करता हूँ, क्योंकि जितना आपका वैक्यूम अच्छा होगा उतना ही आपका लास्टिंग भी ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कंप्रेसर की इस सिरे से कोई भी हवा नहीं निकल रहा है, मतलब हमारा वैक्यूम जो है कम्प्लीट हो चुका है। अब जो है हम इस बल्ब को बंद कर देंगे यहाँ से, और इस लाइन को खोल देंगे, और गैस चार्ज करने से पहले हम इसमें दो एंटी मॉइस्चर का यूज़ करेंगे, एंटी मॉइस्चर इसके अंदर डाल देंगे। तो एंटी मॉइस्चर इसलिए डाला जाता है कि हमारा अंदर जंग ना आए, तो इसकी वजह से अगर हवा सवा अगर गया है अंदर तो जंग आ सकता है, तो इसीलिए हम एंटी मॉइस्चर का यूज़ करेंगे। सबसे पहले इस बल्ब को कर देते हैं बंद, और ये हमारा बल्ब हो चुका है बंद। अब जो है हम इस लाइन को खोल देंगे यहाँ से, और ये हमें कंप्रेसर को भी यहाँ पर कर देंगे बंद। और अब हम जो है इस एंटी मॉइस्चर को यहाँ से डालेंगे इस तरह से धीरे धीरे करके देख सकते हैं, और यहाँ से डाल के नीचे से थोड़ा ढीला कर देंगे, और ये हमारा एंटी मॉइस्चर अंदर चला जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने थोड़ा ढीला कर दिया है, हमारा एंटी मॉइस्चर नीचे जा रहा है। तो हम इस तरह से धीरे धीरे करके देंगे, आपको स्पीडली नहीं देना है वरना आपका हवा अंदर जा सकता है। यहाँ पर देख सकते हैं हमने R134 का कैन जो है कनेक्ट कर दिया है। तो अभी गैस देने से पहले हम फिर पहले इसको इस तरह से छोड़ेंगे, और इस लाइन के अंदर हमारा जो भी एयर मौजूद है इसको हम इस तरह से यहाँ से थोड़ा छोड़ के बाहर निकाल देंगे, ताकि हमारा इस लाइन के अंदर जो भी एयर है बाहर निकल आए। तो देख सकते हैं हमने एयर को बाहर निकाल दिया है। अभी जो है हम
उसका वैक्यूम तोड़ेंगे, उसके बाद ही हम इस कंप्रेसर को चालू करेंगे। सबसे पहले इसका वैक्यूम तोड़ना ज़रूरी होता है। हमें कंप्रेसर को चालू करने से पहले इसका पहले वैक्यूम तोड़ देना है, उसके बाद ही हमें फ्रिज का जो मेन कंप्रेसर है इसको चालू करना है। आप हमेशा ये बात हमेशा ध्यान रखना, कम से कम इसको 20 PSI देने के बाद ही कंप्रेसर को चालू करना, क्योंकि वैक्यूम के समय कंप्रेसर अगर हम चालू करते हैं तो कंप्रेसर ख़राब होने का चांस होता है। तो हम इसका वैक्यूम अभी तोड़ दिया है, लेकिन 20% तक हम इसको 20 PSI तक गैस देंगे, उसके बाद ही कंप्रेसर को चालू करेंगे। तो देख सकते हैं हमने यहाँ पर कैन को सीधा करके गैस चार्ज कर रहे हैं, क्योंकि हमेशा कैन को सीधा करके ही गैस चार्ज करना। अगर इसे उल्टा करके आप गैस चार्ज करेंगे लिक्विड फॉर्म में तो आपका चोकिंग का प्रॉब्लम आ सकता है, लेकिन कर सकते हैं आप, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि आप हमेशा कैन को सीधा करके ही गैस फॉर्म में इसको गैस चार्ज करना। तो अभी हम मीटर को देखो कंप्रेसर को करते हैं चालू। तो देख सकते हैं हमने कंप्रेसर को चालू कर दिया है और ये मीटर हमारा स्विच धीरे धीरे नीचे जा रहा है, और हम इस तरह से गैस आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे करके देंगे, एक बार में नहीं देंगे, क्योंकि एक बार में अगर हम देंगे तो फिर भी हमारा चोक होने का चांस है। तो देख सकते हैं मीटर नीचे जा चुका है, और थोड़ा ऊपर से दिखाओ तो इसको हम फिर से थोड़ा गैस देंगे और बंद कर देंगे। तो हमें इस तरह से पूरा जो गैस है जब तक हमारा 10 से 12 PSI तक नहीं आ जाता तब तक हम इसे इस तरह से रुक रुक के गैस चार्ज करेंगे, बंद कर देंगे। तो हमेशा गैस चार्ज इस तरह किया जाता है। आप कोई भी गैस हो, R134 हो या R600 हो या हाइड्रोकार्बन हो, कोई भी गैस हो, आप हमेशा इसी तरह रुक रुक के गैस चार्ज करना है। आपको एक बार में गैस चार्ज नहीं करना है, हमेशा ध्यान रखना। तो अभी हम इसको इसी तरह गैस चार्ज करेंगे, रुक रुक के थोड़ा देंगे, रुकेंगे, तो जब तक हमारा 10 से 12 PSI तक नहीं आ जाता तब तक हम इसमें गैस देते रहेंगे। तो देख सकते हैं सुई हमारा बहुत ऊपर आ चुका है और थोड़ा हम देते हैं, और इसके बाद हम चेक करेंगे धीरे धीरे करके किसकी इसकी पार्ट जिसके जो डिस्चार्ज लाइन है वो गर्म हो रहा है कि नहीं और अंदर कूलिंग हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा लगभग 10 से 11 PSI हो चुका है, लेकिन अभी भी हम इसको गैस चार्ज करेंगे, कुछ देर रुक के कम से कम 10-15 मिनट इसको देखेंगे। और ये आपके डिस्चार्ज लाइन देख सकते हैं, ये भी हमें इस तरह से चेक करना है, पूरा गर्म है देख सकते हैं। और ये हमारा बाहर का नेट जो नेट भी है पूरा गर्म हो चुका है, यानी इसका नेट गर्म हो रहा है तो इसका अंदर कूलिंग हो रहा है, और इसकी ये जो ड्रायर है इसके ये हल्का सा गर्म होना चाहिए, तो ये काफ़ी गर्म हो चुका है। और ये जो सेक्शन लाइन है जो देख सकते हैं ये भी ठंडा होता नज़र आ रहा है, तो ये आपका सेक्शन लाइन थोड़ा हल्का ठंडा नज़र आएगा। तो देख सकते हैं पूरा हीट हो चुका है। अब जाके हम अंदर का कुछ नज़र आप लोगों को दिखा देते हैं कि अंदर हमारा कैसा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये डबल डोर का फ्रिज है, तो यहाँ पर भी हमारा कूलिंग बराबर आ रहा है देख सकते हैं। अभी कूलिंग आना चालू हो चुका है, लेकिन फिर भी हम 10 से 15 मिनट तक इसको इस तरह रख के वेट करेंगे, उसके बाद ही अगर हमें गैस चाहिए तो हम और चार्ज करेंगे। हमें लगभग 12 PSI तक 10 से 12 PSI तक गैस चार्ज करना है, जब तक हमारा 10 से 12 PSI नहीं हो जाता, लेकिन आपको थोड़ा वेट करना है, इंतज़ार करना है, आपको 10-15 मिनट तक इंतज़ार करना है, उसके बाद ही गैस प्रक्रिया जो है ख़त्म करना है। तो अब हम आ जाते हैं बैक साइड में, और यहाँ आप लोगों को दिखा देते हैं, और यहाँ पर देख सकते हैं हमारा मीटर जो है सुई जो है 10 PSI के ऊपर है, यानी 11 PSI है, तो हमें 12 के बीच में ही रखना है। तो 10-15 मिनट देखेंगे, उसके बाद ही अगर ज़रूरत होगा तो गैस चार्ज करेंगे, नहीं तो हम यहीं पर ख़त्म कर देंगे। तो हमने 10-15 मिनट वेट किया, तो ये अपने आप देख सकते हैं उसका जो PSI है 12 PSI तक चला गया है, तो पहले 11 PSI था, तो हमने उनको बताया कि हमें 10-15 मिनट वेट करना है, तो ये अपने आप आगे जाएगा। तो अभी हो चुका है हमारा गैस चार्जिंग कंप्लीट, तो यहाँ पर देख सकते हैं 12 PSI के आसपास है, तो अभी कर देंगे हम इसका गैस चार्जिंग प्रक्रिया ख़त्म। तो यहाँ पर देख सकते हैं चार्जिंग बल्ब हमारा लगा हुआ है, तो यहाँ पर हम काट के यहाँ पर ब्रेजिंग कर देंगे, और ये हमारा गैस चार्जिंग प्रक्रिया जो है ख़त्म हो गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने चार्जिंग बल्ब को यहाँ से काट के अलग कर दिया है, और यहाँ पे हमने चिमटी की मदद से इसको कर दिया है सील, और यहाँ पे हम कर देंगे ब्रेजिंग, इसको हम कर देंगे ब्रेजिंग, और यहाँ पर हमारा हो जाएगा गैस चार्जिंग प्रक्रिया जो है पूरा ख़त्म। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा ब्रेजिंग जो है अच्छी तरह हो चुका है,
यहाँ पर देख सकते हैं हमने इसको पूरा ब्रेजिंग कर दिया है। तो आपको यहाँ अच्छी तरह से ब्रेजिंग करना है, वरना यहाँ से आपका गैस वापस बाहर निकल सकता है। तो ये हमारा हो चुका है आज का जो गैस चार्जिंग प्रक्रिया है ख़त्म। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और इस वीडियो के बारे में कुछ भी जानना हो तो नीचे आप कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, मैं इसका जवाब आपको ज़रूर दूंगा। तो चलिए मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।